بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمسح السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السخط وكل لحم نبت من السخط كانت النار أولى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं, आका इनामदार सरवर कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी हराम माल कमाए और उस हराम माल में से वो सदका करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस सदक़े को कबूल फरमा लें। वला युन्फ़िकु मिन्हु, और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी हराम माल कमाए और उसमें से वो अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करे और अपने अहल व याल भी बच्चों के ऊपर खर्च करे। फ़युबारक लहु फ़ी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकत डाल दें। वलायत रुकू खल्फ ज़ारी इल्ला काना ज़ादहु इलल नार, और ऐसा माल जो उसने हराम तरीके से कमाया उसे वो अपने पीठ पीछे छोड़ करके नहीं जाता मगर वो उसके लिए दोज़ख का तोशा बन जाता है। इन्नल्लाह ला यम्हु सय्यिअ बिसय्यिअ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बुराई को बुराई के ज़रिए से दूर नहीं करते मिटाते नहीं। वलाकिन यम्हु सय्यिअ बिलहसन, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बुराई को नेकी के ज़रिए से हटाते हैं। इन्नल खबीथ ला यम्हु अलखबीथ, बेशक खबीस और नापाक चीज़ और बुराई खबीस और नापाक चीज़ को नहीं मिटा सकती। इस हदीस मुबारक में भी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम माल के बारे में वही बयान फरमाई है। एक इंसान दुनिया के आर्जी नफ़े के खातिर वो माल कमाता है और चंद रोज़ा ज़िंदगी के आराम के लिए, राहत के लिए, ऐश व इशरत के लिए वो हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है और जो दायमी ज़िंदगी है उसको वो दाव पे लगा देता है। इसके लिए वो झूठ बोलता है, इसके लिए वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को नीलाम करता है, इसके लिए वो गरीबों का खून चूसता है, इसके लिए वो दुनिया जहान के दरोगोई और फ्रॉड करता है ताकि उसके पास दुनिया के चंद सिक्के जमा हो जाएं। और उसका नतीजा ही निकलता है कि फरमाया कि उसकी आखिरत जो है वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। अब अगर ये इंसान इस हराम कमाई से ये सोच करके कि कुछ अल्लाह के रास्ते में सबका खैरात कर दूं तो इससे मुझे नफ़ा मिलेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी हराम माल में से सदका करके उसके ऊपर अजर की और सवाब की उम्मीद रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सदक़े को, उसके खैरात को कबूल करेंगे। समय ऐसा नहीं हो सकता।
और इसी तरीके से अगर वो आदमी इस माल को अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करे या अपने अहल वयाल पे खर्च करके ये उम्मीद रखे कि इससे बरकत पैदा होगी घर के अंदर, तो फरमाया कि ये भी नहीं हो सकता कि उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत डालें, हराम माल में कोई बरकत पैदा नहीं हो सकती। और फिर फरमाया कि जिस माल की खातिर उसने ये सब कुछ किया, अब जब ये दुनिया से चला जाता है इस माल को पीछे छोड़ करके, तो ये उसको ये हराम कमाई उसके वरसा में जो तकसीम होती है, अब जो जो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे वो हराम का इर्तिकाब करेंगे, हराम के मुर्तकिब होंगे, जिसकी वजह से वो गुनाहों के अंदर पड़ेंगे और उस सारे का वबाल जो है इस इंसान के ऊपर पड़ेगा जिसने इस माल को इब्तिदान कमाया, हराम माल कमाया। तो फरमाया कि ये हराम माल उसके मरने के बाद उसके लिए जहन्नम का तोशा बन जाता है और उसको जहन्नम में पहुंचा करके छोड़ता है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बुराई को बुराई के साथ नहीं मिटाते कि एक आदमी जो हराम माल कमा करके फिर उसमें से सदका करे और समझे कि मेरी ये बुराई मिट जाएगी, बल्कि अल्लाह नेकी के साथ जो है बुराई को मिटाते हैं। ये अल्लाह का कानून है कि कोई आदमी नेक अमल करेगा तो उस नेक अमल से उसके गुनाह जो हैं वो मिटेंगे और बुरे अमल से उसके नेक उसके जो गुनाह हैं फरमाया वो महव नहीं हो सकते, मिट नहीं हो सकते। दूसरी रवायत में जाबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला याकुलु जन्नत लहम नबत मिन सुख, कि वो गोश्त कि जो हराम से जिसने परवरिश पाई, तो फरमाया कि ऐसा गोश्त ऐसा जिस्म वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। वकुल्लु लहम नबत मिन सुख कानत नारु औलादी, और हर वो गोश्त कि जिसने हराम के ज़रिए से परवरिश पाई है, तो फरमाया कि वो दोज़ख के ज़्यादा हकदार है कि वो दोज़ख में जाए। यानी जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हराम कमाई की उसे सज़ा नहीं देंगे जिसकी वजह से उसके जिस्म ने परवरिश पाई है, उसको दोज़ख में डाल करके और उसको उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक़्त तक उस इंसान को जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। या फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहें तो बग़ैर दोज़ख में डाले उसको माफ़ कर दें और माफ़ करके उसको जन्नत में भेज दें, लेकिन हराम कमाई से जिसने नशो नमा पाई है जब तक कि अल्लाह उसे माफ़ ना कर दें या उसे सजा ना दे दें वो जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदख़ुलु जन्नता जसदुन ग़ुज़िया बिल हराम, कि वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि जिसने हराम के साथ ग़िज़ा पाई हो। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान ने एक कपड़ा ख़रीदा 10 दिरहम का और उन 10 दिरहमों में 1 दिरहम जो है वो हराम का था, लम यक़ुलुल्लाहु तआला लहु सलातन मा दामा अलैह, तो जब तक वो कपड़ा जिसके अंदर 1 दिरहम हराम का शामिल है उसके जिस्म पर मौजूद है उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाएंगे। सुम्मा अदख़ल इस्बाई फ़ी उज़ुनैही वक़ाला सुन्निता इल्लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेतुहु यकूलु, फिर उसके बाद इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी दोनों उंगलियां कानों में डाल करके ज़ोर से ये बात इरशाद फरमाई कि मेरे ये दोनों कान जो हैं ये बहरे हो जाएं अगर मैंने ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सुनी हो, यानी मैंने अपने इन दोनों कानों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है कि जिस आदमी ने ऐसा कपड़ा पहना कि जिसमें 1 दिरहम भी हराम का हुआ तो उसकी नमाज मकबूल नहीं होगी। एक दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान ने एक लुक्मा हराम कमाई का खा लिया तो 40 दिन तक उसकी इबादत जो है वह कबूल नहीं होगी। एक रवायत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी हराम खाए तो बेहतर है इसे कि उसके मुंह के अंदर खाक और मछली जो है वो डाल दी जाए। तो इसलिए फरमाया कि हराम और मुश्तबे चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, अल्लाह ने हलाल जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी वाज़े कर दिया है
और जितनी हराम चीज़ें हैं उनको भी वाज़े कर दिया है कि ये चीज़ें हलाल हैं और ये चीज़ें हराम हैं। और इस हलाल और हराम के दरमियान में बार चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुश्तबे हैं, ला यालमून कसीर मिनन्नास, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को इलम नहीं होता, उन्हीं लोगों को उसका इलम होता है कि जो इलम के अंदर रासखियत रखते हैं, इत्तिहाद का मलका रखते हैं, और फिर वो दोनों तरफ के दलायल को देख करके किसी एक जानब को राजे करके उसके बारे में फैसला दे देते हैं, लेकिन आम लोगों को उन मुश्तबी चीज़ों के बारे में इलम नहीं होता। तो इसलिए फरमाया फ़मन तकश्शुबहात इस्तबरा लिदीनी व इर्दी, जिस आदमी ने अपने आप को ऐसी मुश्तबी चीज़ों से बचा लिया तो उसने अपने दीन को भी महफूज कर लिया और अपनी इज्जत और आबरू को भी महफूज कर लिया। और जो इंसान ऐसी मुश्तबी चीज़ों में पड़ गया तो वकाफिल हराम, तो फरमाया ऐसा इंसान जो है वो हराम का इर्तिकाब कर जाएगा और हराम में पड़ जाएगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाया कि देखो जैसे एक चरवा होता है और वो अपने जानवर जो है चराता है चरागाह के अंदर, तो अगर किसी की चरागाह जो है उसकी बिल्कुल बाड़ पे बॉर्डर पे जा कर के वो अपने जानवरों को चराएगा तो अगर थोड़ी सी भी उससे गफलत होगी तो उसके जानवर जो है वो दूसरे आदमी की चरागाह में दाखिल होकर के उससे चर जाएंगे और नतीजतन इस आदमी को उसकी सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ेगी, इसका ये जो है मुजरम बन जाएगा। लेकिन अगर ये इंसान जो है उस बाढ़ से दूर हट करके अपने जानवरों को चराता है, उसके करीब नहीं जाता, तो ऐसी सूरत में दूसरे आदमी की चरागाह में उन जानवरों का दाखिला जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। ऐसे ही इंसान को चाहिए कि जो जितनी भी मुश्तबे चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर रखे, तो जब उनसे दूर रखेगा तो इसके नतीजे में हराम से बच जाएगा। लेकिन अगर मुश्तबे चीज़ों के अंदर पड़ा रहा, मिसाल के तौर पर उसका माल है, कुछ माल उसमें से हलाल है कुछ उसके अंदर हराम है और वो मखलूत हो गया मिक्स हो गया है, अब इसको ये मालूम नहीं कि कौन सा हलाल है कौन सा हराम है, तो ये मुश्तबे बन गया। तो ऐसी सूरत में फरमाया कि उसको इस सारे माल से जो है वो दूरी अख्तियार कर लेनी चाहिए। या एक आदमी है उसने किसी औरत के साथ निकाह कर लिया और बाद में एक औरत आई, उसने आकर के कहा कि मैंने तो इन दोनों को दूध पिलाया है, जिसका नतीजा ये है कि वो दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं। अब रज़ाई बहन भाई का निकाह जो है वो आपस में जायज़ नहीं है, तो अब फरमाया कि ये शुबा पैदा हो गया। उस औरत ने आकर के गवाही दी कि ये तो दोनों रज़ाई बहन भाई हैं, अब जो है उसकी गवाही की वजह से ये इश्तबा पैदा हो गया कि इनका निकाह आपस में जायज़ नहीं है। तो एक तरफ तो ये शुबा है, तो इस शुबे के नतीजे में चाहिए तो ये कि फ़ौरन उनका निकाह जो है वो तोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी इम्कान इसके अंदर मौजूद है कि वो औरत जो है जो कह रही है वो गलत बयानी से काम ले रही हो, इसलिए कि उसके पास कोई शहादत मौजूद नहीं है कि जो इस बात की गवाही दे कि वाकई इस औरत ने इनको दूध पिलाया है और ये इसके रज़ाई बच्चे हैं। मुमकिन है कि वो झूठ बोल रही हो, उन दोनों के दरमियान में जुदाई डालना चाह रही हो, तो ऐसी सूरत में उनका निकाह जो है उसको बाकी रखने के बारे में भी जो है दलील मौजूद है। तो फरमाया कि यहाँ पर इश्तबा पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत में फरमाया कि इस इश्तबा से बचने के लिए बेहतर यही है कि वो आदमी उस औरत को अपने निकाह में न रखे और उसको निकाह से जो है वो अलग कर दे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नकल जसद मुज़गा इज़ा सलुहा सलुहा जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वही अल-क़ल्ब, कि खबरदार इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है कि अगर वो सही सालम रहे तो सारा जिस्म सही सालम रहेगा, और अगर उसके अंदर फसाद पैदा हो जाए तो सारे जिस्म के अंदर फसाद पैदा होगा और वो दिल है। तो इसमें तालीम ये दे दी कि इंसान को हर वक्त अपने दिल की निगरानी करते रहना चाहिए कि अगर दिल इंसान का भटक गया और मुश्तबिहात के अंदर पड़ गया तो ये बहुत दूर तक इंसान को ले जाएगा। तो ऐसी सूरत में इंसान को हर वक्त अपने जिस्म की अपने दिल की इस्लाह करनी चाहिए, उसकी निगरानी करनी चाहिए,
और हराम से उसको बचाना चाहिए कि हलाल माल दिल में पहुँचेगा तो उससे अच्छी सलाहियत पैदा होगी, हराम पहुँचेगा तो उससे दिल के अंदर फसाद और बिगाड़ पैदा होगा और दिल के फसाद और बिगाड़ का नतीजा सारे आज़ाद से ज़ाहिर होगा। तो इसलिए फरमाया कि हराम से अपने आप को बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين।